राजपुरा थाना क्षेत्र के हरिबाबा बांध धाम पर कलश यात्रा में शामिल होकर गंगा नहाने आया युवक गंगा नहाते समय गंगा में बह गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। युवक को काफी तलाश किया गया लेकिन युवक का कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका। गोताखोरों के काफी तलाश करने पर 24 घंटे बाद युवक का शव मिला। गुरुवार को थाना हयात नगर गाँव खेरली निवासी अयूब उम्र 50 वर्ष पुत्र आबिद खां अपने गाँव के लोगों के साथ भागवत कथा समाप्त होने के बाद राजपुरा थाना क्षेत्र के हरिबाबा बांध धाम पर कलश यात्रा में शामिल होकर गंगा नहाने गया था। नहाते समय युवक का पैर फिसल गया और युवक गंगा में बह गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से आयुब की खोजबीन की तो शुक्रवार को उसका शव गंगा में तैरता हुआ मिला। परिजन शव को लेकर गांव खिरनी पहुंचे और शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हो? खिरनी। अच्छा, ये आप गंगा जी पे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या, कल गाँव से आए थे कुछ लोग गंगा नहाने के लिए यहाँ बाबा मंदिर पे, तो ये नहा रहे थे, नहाते वक्त ये डूब गए। अब ये कल डूबे हैं, 1:30-2 बजे आज मिले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये जो एक डेड बॉडी डूबी है गंगा जी में, क्या है पूरा मामला? कल ये खिरनी मोहिद्दीन गांव के लोगों के साथ थे, काफी लोग थे, 250 उनके साथ आए, आकर के सब लोग नहा रहे, ये भी नहाने लगे, अब नहाते नहाते डूब गए। किसी ने देखा, कल से काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, कल भी नहीं मिले, आज मिले हैं, 24 या 26 घंटे के बाद मिले हैं। फिर उसके बाद बॉडी को देखते हैं तो काफ़ी डैमेज हो चुकी है,